갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. वेलकम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले सिमिलैरिटी का लास्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, सो वेलकम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कर लिया था हमारे लास्ट अभी इस चैप्टर सिमिलैरिटी चैप्टर का ये लास्ट थ्योरम हम करने जा रहे हैं, दैट इज थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरम का मेन हेडिंग है, दैट इज थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये सिमिलैरिटी चैप्टर का लास्ट थ्योरम है, इसके बाद से हम लोग लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, डेट इज हमारा 1.4, फिर हमारे चैप्टर सिमिलैरिटी डेट इज खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ये थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी देखो थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है, पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल्स, मान लो यहाँ पे ए बी सी दो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, ओके, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है, ओके, देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोज ट्रायंगल, तो जब इसके एरिया का रेशियो लेंगे, व्हाट, जब इसके एरिया का रेशियो लेंगे तो इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल टू होने वाला है, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ये जो जितने भी इसके रेशियो बनते हैं, दैट इज, याद है दो ट्रायंगल जब सिमिलर होता था क्या रेशियो बनता था, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू विच इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये रेशियो बनेंगे। लेकिन क्या होगा इसमें, इसके सारे के स्क्वायर के इक्वल होने वाले, ठीक है, क्या बोला, देखो इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, ये जितने भी साइड है सबका क्या है, स्क्वायर बनने वाला है। तो वापस देखो स्टेटमेंट क्या था, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल्स क्या है एक दूसरे से सिमिलर, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दोज ट्रायंगल, तो जो इसका जो एरिया का रेशियो होने वाला है वो किसके इक्वल टू होने वाला है, रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर, जो भी साइड है, जो ठीक है जो भी साइड है उसका रेशियो बनने वाला है, लेकिन किस में, स्क्वायर में, ओके। सो ये स्टेटमेंट का मतलब था। अब इस स्टेटमेंट के बेस पे हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका, चलो पहले डायग्राम ड्रॉ कर दिए एक ए बी सी, और दूसरा डायग्राम क्या ड्रॉ कर दिए पी क्यू आर। अब इसमें दिया क्या था, देखो ये ए डी किस पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे परपेंडिकुलर है, ये हमें एज इट इज़ दिया रहेगा, ठीक है, और ये हमारा जो पी एस है वो किस पे परपेंडिकुलर है, क्यू आर पे परपेंडिकुलर है। नाउ और भी दो चीज़ें हमें दी हुई, देखो ये यहाँ पे दो एंगल्स का साइन बनाया, यहाँ पे दो एंगल, मतलब ये एंगल बी और एंगल क्यू एक दूसरे से क्या है, इक्वल है, ओके। और उसके बाद से दूसरा यहाँ पे एंगल सी और एंगल आर एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। सो ये था स्टेटमेंट और ये था डायग्राम इसका। अब इसके बेस पे हम चलो स्टार्ट करते हैं हमारा गिवन, गिवन पार्ट लिखते हैं। तो पहले गिवन में दिया क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, ये जो ट्रायंगल एबीसी है इसमें क्या दिया हमें, ये किसके सिमिलर दिया था, पी क्यू आर के सिमिलर दिया था, ओके, सिमिलर मतलब अभी ये एबीसी किसके सिमिलर होगा, पी क्यू आर के। और क्या दिया हमें, ये जो एडी है वो किस पे परपेंडिकुलर है, बीसी पे परपेंडिकुलर है। देन सेकंड क्या दिया, ये जो पीएस है वो किस पे परपेंडिकुलर है, क्यूआर पे परपेंडिकुलर है, तो वो भी लिख दिया हमने पीएस परपेंडिकुलर टू क्यूआर। नाउ उसके बाद ये तो हो गया गिवन पार्ट। नाउ टू प्रूफ में क्या आता है हमारा, देखो टू प्रूफ में क्या था, हमें क्या प्रूफ करना था, इस दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लेना, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, दोनों के एरिया का रेशियो ले लिए। अभी अगर दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ले तो वो किसके इक्वल होने वाला था, दैट इज एबी अपॉन पीक्यू का दोनों का स्क्वायर लेना था विच इज इक्वल टू बीसी अपॉन क्यूआर, उसका भी स्क्वायर लेना था विच इज इक्वल टू एसी अपॉन पीआर, उसका भी क्या लेना था, स्क्वायर लेना था, ओके। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ पार्ट। होप इतना आप स्टेटमेंट डायग्राम गिवन टू प्रूफ समझ करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ पार्ट, ओके। सो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ पार्ट। प्रूफ पार्ट में पहले हमें करना क्या, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों का रेशियो लेना है। किस में रेशियो लेना, हमने पहला थ्योरम पढ़ा था इस चैप्टर सिमिलैरिटी चैप्टर, दैट इज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो उसको किस में फॉर्मूला बनता था, बेस इनटू हाइट। तो इसका देखो इसका बेस क्या हो जाएगा, बीसी, और हाइट क्या हो जाएगा, एडी, तो ये हो गया बेस इनटू हाइट अपॉन इस साइड ट्रायंगल का बेस क्या होगा, क्यूआर बेस होगा, और हाइट क्या होगा, पीएस, तो बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला बन गया। अब इसको सेपरेट करना, ये अभी भी डिवाइड फॉर्म में, इसको सेपरेट करना है बीसी अपॉन क्यूआर को इनटू एडी अपॉन पीएस, सिर्फ सेपरेट किया हमने, ओके, यहां पे कोई न्यू स्टेप नहीं सॉल्व किया। इसको नंबर क्या देना आपको, 1। इसके बाद से सेकंड, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल पीक्यूएस। अब देखो एबीडी कहां पर है, एबीडी ये वाले ट्रायंगल का ये लेफ्ट पार्ट लेना है, और सेम इस वाले ट्रायंगल दैट इज पी पी क्यू आर का भी हमारा कौन सा, पी क्यू एस, ये लेफ्ट पार्ट, दोनों ट्रायंगल क्या लेना हमें, लेफ्ट पार्ट और लेफ्ट पार्ट लेना है। अभी इसमें देखो ये जो एंगल बी था वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, तो एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के, ये कहा था हमें गिवन में दिया हुआ था। फिर एंगल ए डी बी, ये दिख रहा है आपको ए डी बी, वो किसके इक्वल है, सॉरी ए डी बी ये वाला जो एंगल है ये कितने किसके इक्वल है, ये वाला एंगल, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ओके।
दोनों एंगल क्या है, एंगल ए डी बी भी 90 है और एंगल पी एस क्यू भी क्या है 90 डिग्री। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल हमें क्या दो एंगल मिल गया ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बाई ए टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा एक दूसरे के सिमिलर। ओके हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये ट्राइंगल ए डी बी किसके सिमिलर है, ट्राइंगल पी एस क्यू के, ये सिमिलर प्रूफ कर दिया ना। अभी अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ होता है तो हमें दो चॉकलेट मिल जाता, याद है आपको कौन कौन सा, करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल और करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का चाहिए। तो कैसे बनेगा फॉर्मूला, देखो ए बी अपॉन पी क्यू बन गया, ए बी अपॉन पी क्यू विच इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, बी डी अपॉन क्यू एस, तो बन गया बी डी अपॉन क्यू एस विच इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए डी अपॉन पी एस, ये हो गया। इसको नंबर देना सेकेंड और रीजन क्या, डेट इज करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, डेट इज सी एस एस टी। नाउ आते जैसे हमें दूसरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी सी पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लेना और सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें दिया हुआ था, दोनों ट्राइंगल हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया था, वेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या थे, एक दूसरे से सिमिलर है, इसका क्या था गिवन पार्ट। अब ये भी सिमिलर है तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका रेशियो निकाल लेंगे हम लोग, ए बी अपॉन पी क्यू विच इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और इसको नंबर क्या देंगे थर्ड, और इसका भी रीजन क्या रहेगा हमारा, करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। नाउ इसके बाद से हमें देखो अभी फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, अभी ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा सेकंड पार्ट था और ये हमारा क्या था थर्ड पार्ट था। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमें क्या मिला ये हमें देखते हैं अभी। तो देखो इसमें क्या दिया, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से वी गेट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी था और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर को यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज क्या था बी सी इंटू क्यू आर अपॉन इंटू ए डी अपॉन पी एस, तो लिख दिया बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड से इसमें हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है, देखो बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है, ए डी अपॉन पी एस के, और यहाँ पर देखो ये वाले ट्राइंगल में, ये वाले सेकंड में भी ऑब्जर्व करो, ए डी अपॉन पी एस किसके इक्वल है, बी डी अपॉन क्यू एस ए बी अपॉन पी क्यू। अब यहाँ पे देखो ए बी अपॉन पी क्यू और ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, मतलब ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट सब इसमें एक दूसरे से क्या है, इसमें और सेकंड में और थर्ड पार्ट में क्या है, सब एक दूसरे से इक्वल है। अगर सब एक दूसरे से इक्वल है तो ये बी सी अपॉन क्यू आर को वैसे ही रहने देंगे, देखो यहाँ पे इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर को वैसे ही रहने दिया इंटू ए डी अपॉन पी एस था उसको हमने क्या ले लिया, देखो ए डी अपॉन पी एस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए डी अपॉन पी एस किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के, और ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के। तो मतलब ये जो पार्ट है ए डी अपॉन पी एस उसके यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन क्यू आर। तो देखो दोनों सेम हो गया ना, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू बी सी अपॉन क्यू आर। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे बी सी इंटू बी सी टू क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, और क्यू आर इंटू क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर। ओके वैसे ही अभी ये तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे कि बी सी अपॉन क्यू आर विच इज इक्वल टू जो हमें प्रूफ करना था, ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर स्क्वायर, तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमें प्रूफ पार्ट मिल गया। लेकिन हमने सिर्फ एक ही सॉल्व किया, सिर्फ बी सी और बी सी को इसको भी चेंज करके किस में लिखा था, बी सी अपॉन क्यू आर में, वैसे ही सबका चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, क्यों लिख सकते हैं, देखो बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू, तो इस बी सी अपॉन क्यू आर की जगह क्या लिख देंगे, ए बी अपॉन पी क्यू। मान लो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे अलग से, यहाँ पे क्या है, पहला बी सी अपॉन क्यू आर है, ओके बी सी अपॉन क्यू आर विच इज इक्वल टू क्या है, ए डी अपॉन पी एस। जैसे हमने पहला वाला ये चेंज किया था वैसे ही हम लोग को सेकंड टाइम भी करना पड़ेगा, बी सी अपॉन क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए डी अपॉन पी एस, देखो बी सी अपॉन क्यू आर पर क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, ए बी अपॉन पी क्यू। अब देखो ए डी अपॉन पी एस की जगह अब हमें क्या बनाना है, सॉरी ए डी अपॉन पी एस की जगह पर हमें क्या बनाना है, इसी को सेम ए बी अपॉन पी क्यू बनाना है। तो देखो ये ए डी अपॉन पी एस किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है ना, तो इस ए डी अपॉन पी एस की जगह पे क्या लिख देंगे, ए बी अपॉन पी क्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, तो ये भी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो जैसे ये सेकंड बना दिया वैसे हमें थर्ड के लिए बनाना पड़ेगा, डेट इज ए सी अपॉन पी आर। तो देखो ए सी अपॉन पी आर है कहाँ पर, ए सी अपॉन पी आर किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के, तो बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पे क्या लिख देंगे, ए सी अपॉन पी आर। अब सेम यहाँ पे अब ए डी अपॉन पी एस है, तो ए डी अपॉन पी एस किसके इक्वल है, देखो ए बी अपॉन पी क्यू के और बी डी अपॉन क्यू एस के। सो अगर यहाँ पे ये दोनों पार्ट एक दूसरे के सिमिलर हैं तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे ए डी अपॉन पी एस है किधर के, ए डी अपॉन पी एस उसके पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ए सी अपॉन पी आर अगेन लिख देंगे, तो अगेन लिखने पे ये भी क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। सिमिलरली सिर्फ आप एक ही स्टेप इसमें याद रखो कि हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही को चेंज करना है, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस, तो ए डी अपॉन पी एस को चेंज कर देंगे इसमें बी सी अपॉन क्यू आर में, क्योंकि ए डी अपॉन पी एस किसके इक्वल था, ए बी अपॉन पी क्यू, और ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के, तो हमें
हमें क्या मिल जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर मिल जाएगा, ओके। और बाकी सबको सिमिलरली इक्वल टू करके जो हमें यहाँ पे दिया था वो लिख देंगे, ठीक है। बी सी अपॉन क्यू आर विच इज इक्वल टू, आगे पीछे रहेगा चलेगा, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया हमारा हैंड रूल पार्ट। यहाँ पे क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ये जो दूसरा था एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये था हमारा थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। करना क्या था इसमें, पहले स्टेप में पहले दोनों बड़े वाले ट्रायंगल क्या लगाना था हमें, बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करना था, ओके। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना था हमें, ये इसके लेफ्ट वाले ट्रायंगल को लेना था और इसके भी लेफ्ट वाले ट्रायंगल को लेना था, दोनों को क्या प्रूफ करना था, सिमिलर। सिमिलर प्रूफ करने के बाद हमें देखा, हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया। सिमिलर प्रूफ करने के बाद क्या निकालना, दोनों का करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, उसको नंबर क्या देना था, सेकंड। वैसे थर्ड पार्ट में क्या करना था हमें, अभी पूरे बड़े वाले ट्रायंगल दैट इज ए बी सी और पी क्यू आर दोनों को क्या प्रूफ करना, दोनों को ऑलरेडी हमें सिमिलर दिया हुआ था तो हमें क्या निकाल लेना था, उसका करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। नाउ फर्स्ट सेकंड थर्ड को हमें ऑब्जर्व करना था, तो ये जो ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको एज इट इज़ वहाँ पे लिख दिया, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन डी एस। नाउ अभी बी सी अपॉन क्यू आर को वैसे ही रहने दो, ए डी अपॉन पी एस देखो किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के, और ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, अगेन बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है। तो ये ए डी अपॉन पी एस को हटा के मैं वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन क्यू आर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने तो क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। सिमिलरली सबको वन बाई वन चेंज करना पड़ेगा, ए बी अपॉन पी क्यू को यहाँ पे रखना पड़ेगा, फिर ए बी अपॉन पी क्यू देखो किसके इक्वल है यहाँ पे, ए डी अपॉन पी एस, और ये भी अगेन किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू। तो वैसे ही हमें चेंज करके बार बार उसको मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा, लेकिन हम सिर्फ एक ही को चेंज करेंगे और सिमिलरली क्या बोल देंगे कि बाकी सब भी रेशियो में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये था हमारा थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर आपको ये समझ जाएगा तो हमें 4.1.4 करने में बहुत ही आसानी होने वाली है। नान आमु मालदो हाल सुगा अप्सच्ची 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어